टीवी सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में हिना परमार तुलसी माता का किरदार निभा रही हैं। उनका कहना है कि यह शो न सिर्फ उनके करियर के लिहाज से बेहतरीन है बल्कि सेट पर उनका ज्ञानवर्धन भी खूब हो रहा है। नवभारत टाइम्स से बातचीत में हिना ने बताया कि विघ्नहर्ता गणेश में तुलसी और गणेश के प्रसंग को विस्तार से दिखाया गया है। तुलसी की चंचलता की वजह से उन्हें श्राप मिला था। कई जन्मों तक वह कृष्ण की दीवानी रहीं। गणेश जी को तुलसी कृष्ण समझ शादी करना चाहती थी, इसलिए गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था। हिना बताती हैं कि गणेश जी ने सदियों पहले कहा था कि कोरोना महामारी में तुलसी वरदान होगी और आज ऐसा ही हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ गई है? गर्मी बढ़ गई है। तो मतलब जो दो चार दिन पहले माहौल था उससे एकदम बदल गया, ऐसा लग रहा है कि गर्मी का सीजन चल रहा है। बहुत बदल। ऊपर से मैं आमगांव में शूट कर रही थी ना, वहां पे बहुत अलग माहौल था और यहाँ मुंबई में काफी चेंज है। हाँ, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है यहाँ पर तुरंत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त हमारे साथ हमारी खास मेहमान है जो हमारी दूसरी विंडो पर आपको दिखाई दे रही है, टीवी एक्ट्रेस हिना परमार। और हिना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू मुझे नवभारत में इनवाइट करने के लिए। और आप लेकर आ रही है बड़ी खबर कि अब विघ्नहर्ता गणेश में आपकी एंट्री हो रही है और वो भी तुलसी माता के रूप में। मुझे अभी तक ये बताया गया था कि तुलसी जी गणेश जी में नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो मुझे लगता था कि इनका रिश्ता है ही नहीं कहीं पर, सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता है, बहुत दूरी वाले माँ बेटे का। लेकिन मुझे रिश्ता अब आप अच्छे से समझ गई होंगी और चूंकि सीरियल में आप एंट्री कर रही है, मुझे समझाइए ना। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी पूजा की है कोई भी भगवान की, वो सिंपल के गणेश जी को हमने लड्डू चढ़ा दिए, जाके हाथ जोड़ लिए, दिल से मांग लिया जो भी मांगना है, उतनी ही पूजा की थी। ये मुझे आज भी नॉलेज नहीं है कि सारे भगवान की, किस भगवान की पूजा में क्या लगता है क्या नहीं। ये सेट पे जाके मुझे पता चला कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का यूज नहीं होता है, तो उसका क्यों यूज नहीं होता है उसकी पूरी कहानी है। ये 7-8 एपिसोड में उन्होंने बताई है कि तुलसी जी क्या थी पहले, वो पौधे के रूप में कैसे, क्यों जन्म लिया उन्होंने उनकी, क्योंकि तुलसी जो है वो कृष्ण दीवानी होती है, उनको जितना राधा जी या मीरा को प्यार था कृष्ण जी से, उतना ही तुलसी को भी प्यार था। तो प्यार की वजह से उन्होंने क्या क्या गलतियां की और उनको कौन से श्राप मिले और फाइनली जाके उनको तुलसी के पौधे के रूप में जन्म मिला और आज हर घर में तुलसी का पौधा होता है और उनको औषधि के रूप में, उस टाइम पे गणपति जी ने कहा था कि ऐसी महामारियां आएगी जिसमें तुलसी जी का यूज होगा, तुलसी का यूज होगा, तुलसी के पत्तों का, वो बीमारियां दूर करने को। और आज हम रियल में कोरोना के टाइम पे तुलसी का यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कहानी है कि हर घर में उसका पौधा होगा और उसका औषधि के रूप में यूज होगा। अच्छा, तो ये पूरी कहानी है। देखिए, पर्दे की, आप छोटे पर्दे की तुलसी माता हैं आज के जमाने में आपने उकी है, तो आप मुझे ना पूरी कहानी विस्तार से सुनाइए ताकि मेरे को समझ में आए कि कैसे वो कृष्ण की दीवानी हुई, कैसे फिर उनको श्राप मिला, तो अच्छे से समझाइए कहानी। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि जो तुलसी जी थी वो कृष्ण के टाइम पे जैसे गोपियां हुआ करती थी वैसे तुलसी भी थी और उनको कृष्ण से बहुत प्यार था, बट वो बहुत चंचल थी। मतलब उसको पता था कि राधा जी हमेशा कृष्ण से पहले आती है, मतलब कृष्ण के साथ सबसे पहले राधा का नाम जोड़ा जाता है, तो उसके अंदर इतनी चंचलता थी कि नेगेटिविटी नहीं कि अच्छा कुछ गलत कर दूं, वो नहीं, उनके अंदर ये था कि नहीं नहीं राधा ये कर रही, मैं उससे पहले जाके कृष्ण जी के सामने ये रख दूं, शायद कृष्ण जी मेरी ये चीजें देख के खुश हो जाए, और उसको कृष्ण से शादी करनी थी। तो इतनी चंचलता थी उसके अंदर और उसकी चंचलता की वजह से उसको श्राप मिल जाता है और वो श्राप में उसको कहा जाता है कि तुम नेक्स्ट जन्म में इंसान के रूप में, मतलब एक नॉर्मल इंसानों में जन्म होगा तुम्हारा, बट राजा की बेटी के रूप में
जब वो राजा की बेटी के रूप में जन्म लेती है वहां पे भी उसका नाम तुलसी है, और वो अभी भी कृष्ण की दीवानी है। अभी भी कृष्ण का नाम आता है, कृष्ण के रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो सब कुछ भूल जाती है। तो उसके पापा कहते हैं कि जो राजा होते कि तुम्हें अगर कृष्ण को पाना है तो इतनी चंचलता से नहीं होगा कुछ भी, तुम्हें अपने माइंड को एकाग्र करना होगा, ध्यान रख करना होगा। तो वो तप करने जाती है, और जो तप करती है उसमें भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है। और कहीं पे गणपति जो है, गणेश जी, वो अपना तप कर रहे हैं, वो ओम का उच्चारण कर रहे हैं। वो ओम के उच्चारण इसको बांसुरी की धुन सुनाई देती है उसमें भी। और वो कैसे वो बांसुरी की धुन सुनते सुनते नाचते नाचते वहां पहुंच जाती है जहां गणेश जी है, और उसको गणेश जी में भी कृष्ण जी दिखते हैं। और गणेश जी कहते हैं कि मैं तो कभी शादी नहीं करना चाहता। तो ये कहती है कि आपने मेरे साथ गलत किया, इतने सालों की मेरा तप था और आज मैं जब आपके सामने पहुंची हूँ, उसको लगता है कृष्ण है ये, तो आपने मुझे शादी के लिए मना कर रहे हो। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, अब मैं भी आपको श्राप देती हूँ, तुलसी जी जिसका यूज हम आज करते हैं वो मैं ही हूँ। हाँ, गणेश जी फिर क्या करते हैं? श्राप देते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता। तो ये गुस्सा हो जाती है कि मैंने इतना तप किया आपको पाने के लिए, और फाइनली जब आपके पास पहुंचे तो आप मुझे कहते हो कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता। वो गुस्सा हो जाती है, कहती है अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी एक नहीं आपकी दो शादियां होगी। तो जो रिद्धि सिद्धि है गणेश जी की वाइफ, वो तुलसी के श्राप की वजह से है। और फिर गणेश जी उसको समझाते हैं कि मैं कृष्णा नहीं हूं, मैं गणेश जी हूँ। तब अपने रियल रूप में उसको दिखाई देते हैं कि ये तो गणेश जी थे, मैंने गलती कर दी। और उनको कहते हैं कि तुम बहुत चंचल हो, तुम्हें तप करना होगा और इस जन्म में तुम्हारी शादी एक असुर से होगी। ये कहती नहीं, कृष्ण के अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। तो उसको कहा जाता है कि नहीं, इस जन्म में तुमने अगर शादी किया तो नेक्स्ट जन्म में तुम्हें कृष्णा मिलेगा। मतलब इसका लास्ट में यही कहना है मेरा कि लड़की को बहुत तप करने पड़ते हैं अपना मनचाहा हस्बैंड पाने के लिए, बहुत तप करने पड़ते हैं। और फाइनली जाके उसकी कृष्णा से शादी होती है, बट शालीग्राम रूप में, जो कृष्ण तुलसी का पौधा और शालीग्राम जो कहा जाता है, शालीग्राम कृष्ण जी का रूप है। तो वो शालीग्राम और तुलसी के पौधे की हम आज भी शादी करते हैं। तो ये पूरी कहानी है जो कि बहुत अच्छे तरह से ब्यूटीफुली दिखाई गई है, हमने बहुत अच्छे से शूट किया उसे।